हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। ये हमारा पार्ट टू वीडियो है किसका? फाइंडिंग स्क्वायर रूट मेथड, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो हमने पार्ट वन में क्या देखा था, जब कोई परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट अवेलेबल होता है, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं, उन सम्स को हमने देखा था। आज हम लोग सम्स देखेंगे बाय डिवीजन मेथड, जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो चलिए उन नंबर्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होते हैं। ओके, देखिए समझिए, हमारे पास अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, बोला कि 7481 का क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। अब देखिए, आपको नंबर, इतना बड़ा नंबर देखकर आपको समझ में नहीं आएगा ना कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही जो हमारा नॉर्मल मेथड है उसे ही फॉलो करेंगे। नॉर्मल मेथड हमारा क्या था स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, कि पीछे से दो दो नंबर की जोड़ी बनाइए। सो देखिए, यहां पर आपने दो जोड़ी बना दी, यहां पर आपने दो जोड़ी बना दी, ठीक है। अब पहले जोड़ी के लिए मैंने क्या बोला था, ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर इतना या इतने से कम होना चाहिए। तो यहां पे कौन हो जाएगा, एट, एट एट जा 64, प्लस एट माइनस 64, एट प्लस एट कितना 16, 74 माइनस 64 दैट इज 10, और पूरा जोड़ी नीचे आ जाएगा विच इज 81। फिर मैंने क्या बोला था, 16 के बाजू में ऐसा नंबर लीजिए कि जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो 1081 उतना या उतने से कम आना चाहिए। तो समझिए, अगर मैं 16 के बाजू में 4 ले लूं, नीचे भी क्या लेना पड़ेगा 4, 4 4 16, 1 कैरी, 6 4 24, 125, 2 कैरी, ये कितना हो गया, मेरे लिए 4 1 4 दैट इज 6, ठीक है, बहुत छोटा नंबर हो गया मेरे लिए। तो मैं किसके पास जाता हूं, 165 × 5, ठीक है, किसके पास जाता हूं, 165 × 5, 5 5 25, 2 कैरी, ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी, 6 5 30, 30 + 2 32, 3 कैरी, 5 1 5 + 3 8, ये भी मेरे लिए क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। सो अब देखिए, मैं क्या ले लेता हूं, यहां पर 6 ले लेता हूं, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36, 3 कितना 39, 3 कैरी, 6 1 6 3 9, देखिए जस्ट छोटा है, कॉमन सेंस लगाइए, अगर मैं 7 पे गया तो इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा ना, तो 166 × 6 + 6, और इधर पे -996, तो ये मुझे कितना दे देगा, ये तो 85 दे देगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा 172। देखिए, हम जब परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले में करते थे, तो जैसे ही हमारा यहां पर जोड़ी खत्म होता था, हमारा क्या होता था, यहां पर जीरो आ जाता था। बट यहां पर क्या हो रहा है, हमें जीरो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। और डिवीजन मेथड में हमें पता है, जब किसी भी चीज, कोई भी चीज डिवाइड नहीं होती है, तो वहां पर डेसिमल लिया जाता है, वहां पर क्या लेते हैं, डेसिमल। तो नॉर्मल डिवीजन में हम लोग डेसिमल लगाकर यहां पर कितना जीरो लेते हैं, एक, बट यहां पे तो जोड़ी वाला केस है ना, तो यहां पर मैं डेसिमल लगाकर यहां पर कितना जीरो ले लूंगा, दो, और नीचे भी दोनों के दोनों जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब 172 के बाजू में ऐसा नंबर लेना है, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 8500 या उससे कम आना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, 4 लेकर देखता हूं, 4 4 16, 1 कैरी, 8 1 9, 7 4 28, 2 कैरी 6, फिर 1 7 2 5 लेकर देख लेता हूं, बिकॉज ये बहुत छोटा दिख रहा है ना, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 2 कितना हो, 5 2 10, और 2 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी 35, 1 36, और 3 कैरी दैट इज 8, जस्ट बड़ा हो गया, तो 1724.4। अब देखो, मैं यहां पर ये नंबर लिखूंगा तो मुझे वापस कोई नंबर मिलेगा, तो अगर समझिए वो नंबर मैंने निकाला, दैट इज समझो 6896 + 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1728, और इधर माइनस किया तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 14 में से 8 गया तो 6, और ये बचा
वन। अब वापस बचा क्या कुछ, तो वापस मेरे को दो जीरो लेना पड़ेगा और यहां पे दो जीरो। आपको फालतू बात मत करना सर, एक और बार डेसिमल लेना है क्या? तो एक और बार डेसिमल नहीं लेना है, क्योंकि डेसिमल एक ही बार लिया जाता है ना। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7481, देखिए 86.4, समझ रहा है क्या? क्या मिल रहा है मुझे? 86.4 मिल रहा है। आगे देखिए चलते जा रहा है, अभी अगर मैं करता फिर मेरे को 9 से मिलता, समझ रहा है क्या? तो यही चीज समझाना चाह रहा हूं, पैटर्न समझा क्या करना है अपने को, तरीका वही है, तरीके में कोई भी चेंज नहीं है। यहां पर भी देखो जोड़ी बन रहा है। चलो एक और नंबर लेकर समझा देता हूं, सो दो नंबर सिखा दूंगा तो आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस बार कोशिश करता हूं कि थोड़ा बड़ा नंबर लेने के लिए। ओके, जैसे कि समझिए कि मेरे पास नंबर है 2825896, 2586। लॉजिक वही है, पीछे से दो दो नंबर की जोड़ी बनाओ। अब पीछे क्या बचा? टू। अब ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर इतना या इतने से कम हो, तो वन वन जा वन, इधर प्लस वन इधर माइनस, तो वन प्लस वन कितना? टू। टू माइनस वन वन, 5 8 नीचे आ गया। अब 2 5 के बाजू में इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इतना या इतने से कम आए, तो मैं बाजू में क्या लेकर देखता हूं? फोर। सो 2 4 × 4 दैट इज कितना हो जाएगा? 96। बहुत छोटा हो गया। सो 2 5 के बाजू में क्या ले लेता हूं? 5 ले लेता हूं, बिकॉज 2 5 × 5 कितना होता है? 125 होता है, ठीक है। बिकॉज 2 6 × 6 कितना हो जाएगा? 6 6 = 36, 3 कैरी, और 6 2 = 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। अपना 6 से जा सकता है ना, 5 क्यों लिया फिर हम लोग ने, ठीक है। सो देखिए इधर पे क्या ले लेंगे हम लोग? 6 ले लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 6 कितना? 156 प्लस 6, तो इधर क्या मिल जाएगा? 32। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? 2। पूरी जोड़ी को नीचे ले लूं, दैट इज क्या ले लूं? 96। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 32 के बाजू में मैंने अगर 1 भी लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 321 दे देगा, जो इससे बड़ा है ना, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 0। इधर क्या आ जाएगा? 0। इधर क्या आ जाएगा? 0। इधर क्या आ जाएगा? 0। तो हर जगह 0 0, तो ये हो गया 320 और ये हो जाएगा 296। रिमाइंडर 0 मिला क्या? नहीं। तो यहां पे 2 0 ले लेने का, और यहां पे क्या आ जाएगा? डेसिमल, तो यहां पे क्या लोगे? 2 0। अब 302 के बाजू में ऐसा नंबर लेकर मल्टीप्लाई करना है जो इतना या इतने से कम आए। अब देखिए बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो हम लोग सीधा किसके पास चले जाते हैं? 8 के पास चले जाते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? 8 8 = 64, 8 2 = 16, 1 कैरी, 24 और 125। थोड़ा छोटा दिख रहा है, एक बार 9 से भी करके देख लेता हूं। इंटू 9, 9 9 = 81, 9 2 = 18, 28 मिल गया जस्ट छोटा, मतलब 160.9, समझ रहा है क्या? हाँ, अभी इसके आगे और करना है तो कर सकते हैं। देखो अगर आपको कैलकुलेटर पे डाल के दिखाऊं, सो देखिए 25896 का स्क्वायर रूट कितना मिल रहा है? 160.922341519 13, बिकॉज इट इज इरेशनल नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होगा। समझा सब लोग को? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या है? तो चलिए आप लोग को इसमें भी दो क्वेश्चन देता हूं जिसका आपको वैल्यू निकालना रहेगा। एक तो 74283, एक इसका स्क्वायर रूट निकालिए, और दूसरा 9211, एक इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर रूट निकालकर मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और अप टू 1 डेसिमल। किसी को आगे जाना है जा सकता है, बच्चा लोग आपको सिर्फ यहाँ पे 0 0 बढ़ाते जाना है, वो सब अपने आप होते जाएगा, कोई भी उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। सो देखिए मैंने आपको यहाँ पर डिविजन मेथड से जिस नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट अवेलेबल रहता है वो भी बता दिया, और जिसका अवेलेबल नहीं रहता है परफेक्ट उसका भी बता दिया। तरीका सेम था, बट जब परफेक्ट अवेलेबल नहीं होता तो हम वहां पर दो दो जीरो लेकर डेसिमल लेकर कंटिन्यू करते हैं, और हमें पता है कि दैट इज इट इज अ इरेशनल नंबर, तो इनडेफिनाइट जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, समझ रहे क्या? तो चलिए फिर हमारे इस वीडियो खत्म करते हैं, और भी बेसिक वीडियो के लिए ये प्लेलिस्ट से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।